हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माँ की रसोई ब्लॉग स्पॉट कॉम में। फ्रेंड्स, मूंग दाल की बड़ी हम अधिकतर घर पर बनाते हैं। कभी इसी की सब्जी बनाते हैं, कभी बच्चों के लिए दही सौंठ की चाट बनाते हैं, और कभी विशेष अवसर पर या श्राद्ध में या तीज त्योहार पर इसको जरूर बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में प्रॉपर फिटाई न होने से दाल की या प्रॉपर फ्राई न होने से हमारी जो मूंग दाल की पकौड़ी है टाइट रह जाती है, थोड़ी सी इसमें गांठ रह जाती है। तब हम क्या करें, इसके लिए आज मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ। ये मेरी मूंग दाल की बड़ी है, आज ये थोड़ी टाइट रह गई है। देखिए, दब नहीं रही है, हल्की सी गांठ भी है, टाइट भी। अब इसके लिए हम क्या करें, पहले हम इनको इसमें से पानी में से निकाल लेते हैं। मैंने इसको पानी में डाल दिया था, तब भी इसमें थोड़ी टाइट है, ये दब नहीं रही। तो इसके लिए आप इधर एक बर्तन में पानी रख करके उसे उबलने दीजिए। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए तो इसको पकौड़ियों को उसमें डाल दीजिए। मैं डाल देती हूँ पकौड़ियों को। ये कम मात्रा में पकौड़ी है तो मैंने इसमें कम पानी लिया है। आपकी ज़्यादा पकौड़ी है तो आप बड़े भगोने में ज़्यादा मात्रा में पानी लेकर इनको उबलने दीजिए। इसको मैं 3 से 4 मिनट तक इसे उबलने दूंगी फुल फ्लेम। और अगर आपकी पकौड़ी ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा है, तो आप उसको 5 से 7 मिनट तक फुल फ्लेम पर उबालें। उसके बाद मैं बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पकौड़ी को उबलते हुए 3-4 मिनट हो गए, ये अभी भी सॉफ्ट हो गई, ये देखिए। अब हम क्या करना है, गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट से ढक देंगे। इस पर हैवी वेट रख देंगे हम, चाहे ये रख दीजिए आप, और चाहे आपके घर में ये होता ही है, ये रख दीजिए। इस पर हैवी वेट रखने के बाद इसे कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए आपकी मूंग दाल बड़ी एकदम सुपर सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए, पकौड़ी को पानी में डिप हुए 3 घंटे हो गए। अब हम चेक कर लेते हैं, इसके वेट को हटा देते हैं। ये देखिए पकौड़ी सॉफ्ट हो गई है पकौड़ी। और दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए पकौड़ी काफी सॉफ्ट हो गई है। दबा कर दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। अब आप इससे कोई भी रेसिपी तैयार कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मैं तो बच्चों के लिए दही सौंठ की पकौड़ी बनाने वाली हूँ। इस तरह फ्रेंड्स, आप भी इस टिप को एक बार ट्राई कीजिए और पसंद आए तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए। फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग टिप के साथ।